बिजनौर की होनहार छात्रा ने लॉकडाउन में शिक्षा की स्पीड कम होता देख मैथ्स के कठिन सवालों का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर रोजाना अपलोड कर रही है, जिससे सैकड़ों छात्र छात्राएं घर बैठे अपनी पढ़ाई की तैयारी कर सके। इनसे मिले ये है बिजनौर के सेंट मेरी स्कूल की पुणे वाली 9th क्लास में है, जो खुद 9th क्लास में पढ़ रही है। उसके बावजूद हया के जहन में आया, जिस तरह लॉकडाउन में हर चीज की रफ्तार धीमी पड़ गई है, उसी तरह एजुकेशन की रफ्तार भी धीमी होती जा रही है। लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज तक बंद है, ऐसे में तमाम छात्र छात्राएं कहीं कमजोर न रह जाए। इसी मकसद से हया ने यूट्यूब पर न्यू बेसिक लर्निंग के नाम से चैनल बनाया, जिसे हया रोजाना 9th क्लास के मैथ व साइंस के कठिन सवालों को हल करके अपनी वीडियो रोजाना अपलोड करती है, ताकि कोई भी अपनी क्लास में कमजोर न हो। हया के इस कदम से सैकड़ों छात्र छात्राएं लॉकडाउन में घर में अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। बिजनौर से खुशनूर हसन की रिपोर्ट। मेरा नाम हया है और मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ सेंट मैरिज स्कूल से। हया, जिस तरीके से तुम यूट्यूब के जरिए एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हो, इसका मोटिवेशन कहाँ से मिला तुम्हें? देखिए, जिंदगी हमारी रुकी नहीं है, भले से स्पीड कम हो गई है, इसी तरह एजुकेशन की भी स्पीड कम हो गई है, वो वही की वही है। आप एजुकेशन ना रोके अपनी, तो सभी को पता है लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, इस कोरोना वायरस महामारी जो है ये पूरे दुनिया में फैल चुकी है, सभी इससे परेशान हैं। तो लॉकडाउन का मतलब कि जितने भी सरकार के नियम है सभी का पालन हो रहा है पूरी तरह से, सोशल डिस्टेंसिंग अभी हो रहा है, मास्क अभी हो रहा है, सैनिटाइजिंग भी हो रही है, तो इस तरह सभी परेशान हैं। ना कोई स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेजेस भी बंद हैं, ट्यूशन भी नहीं जा पा रहे हैं बच्चे। तो मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पर चैनल बनाऊँ और मैथ्स के क्वेश्चन मैं उस पर अपलोड करती हूँ, मैथमेटिक्स के सारे टफ क्वेश्चन मैं अपलोड करती हूँ, और 4 सब्जेक्ट्स अप्रॉक्स हैं मेरे जो कि हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स। तो मैथ्स में मैं सारे क्वेश्चन डालती हूँ, आगे जाके जो टेस्ट होंगे हमारे यूनिट टेस्ट, उसमें बच्चे ऐसे ना होंगे वो फेस ना कर पाएँ कोई क्वेश्चन, कोई भारी क्वेश्चन वो फेस ना कर पाएँ, इसलिए मैं टफ क्वेश्चन ही डालती हूँ। तो बस मेरा इतना ही कहना है आप सबसे कि आप अपनी एजुकेशन जारी रखें, रोके ना, स्पीड कम हो गई है, रुकी नहीं है।